अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में पीटा ब्रेड बन रही है, यानी शवारमा ब्रेड बन रही है, जो हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। और इसको बगैर हम ओवन के तवे पर बनाएंगे। आइए इसको बनाने के लिए देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। 500 ग्राम इसमें मैंने मैदा लिया, यानी 2 कप बनते हैं। एक टेबलस्पून हमने यीस्ट का यूज़ करना है। अगर आपका यीस्ट पुराना हो तो आप 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साशे की पैकिंग में भी आता है और डिब्बे में भी आता है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी डालनी है, जो इसको एक्टिवेट करेगी। और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना है। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और हमने इसके लिए गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से हम इसको अच्छे तरीके से डो को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको गूंदेंगे। ये जब आपके हाथ छोड़ने लगे तो समझ लें कि ये तैयार है। ये देखें, अब हमारी जो है डो वो तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर देते ताकि राइस होने के दौरान ये जो है इस पर सिकरी ना आए। और हम अपने बाउल को भी ग्रीस कर देते हैं। इसमें मैंने अपनी डो डाल ली है। अब हम इसको कवर कर देते हैं क्लिंग रैप से ताकि इसमें हवा ना जाए। अगर आपके पास ये क्लिंग रैप नहीं है तो आप किसी एयर टाइट बाउल में भी डाल सकते हैं। और हमने इसको 1 घंटे के लिए स्टे देना है ताकि ये राइस हो जाए। ये देखें, 1 घंटे के बाद जो है हम इसको देखते हैं हमारी डो कितने अच्छे तरीके से राइस हुई हुई है, यानी फूली हुई है। ये देखें कितनी फूली हुई है। और इसको ज़रा दोबारा सेट कर लेते हैं। इस पेड़े को दोबारा मसल के ज़रा सही कर लेते जो इसमें एयर्स बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं एक जैसे। मैंने इनको बराबर काट के अब हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। सब हमने पेड़े ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। हमने इसमें ये ख्याल रखना है कि हमने बेलन जो है वो हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा इसको रोटी को दबाना नहीं है। हल्के हाथ से हम इसको बना लिया। ये देखें हमारी सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। और हम 15 मिनट के लिए इनको स्टे देते हैं। ये देखें 15 मिनट के बाद रोटी कैसे तैयार हो गई हैं। और अब हम इनको पकाते हैं। तवे पे हम इसको पका रहे हैं। बिल्कुल हमने इसकी स्लो आंच रखनी है और चाहे जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हमने स्लो इसकी आंच रखनी है ताकि ये जले ना। इसकी साइड चेंज करते हैं। इसकी मोटाई देखें कितनी है। देखें ये दोनों तरफ से पक चुकी है। ये हमारी पीटा ब्रेड तैयार हो गई है। ऐसे ही हम बाकी अपनी जो है पीटा ब्रेड्स हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको काट के देखते हैं। ये देखें हमारी पीटा ब्रेड तैयार है। इसको हम जो है शवारमा प्लेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चिकन रैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।